बीजेपी के लौह पुरुष एक बार फिर कोप भवन में है। पार्टी ने गांधीनगर से उनके नाम का ऐलान कर तो दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आडवाणी भोपाल से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले खुद नरेंद्र मोदी आडवाणी को मनाने के लिए पहुंचे। उधर वाराणसी में मोदी को कौन टक्कर देगा, इसे लेकर भी जल्द तस्वीर साफ हो सकती है। संकेतों के समझे तो मोदी के खिलाफ कांग्रेस दिग्विजय सिंह या आनंद शर्मा को उतार सकते। वहीं आपको बता दें कि करीब आधे घंटे से सुषमा स्वराज के साथ भी आडवाणी की मुलाकात हो रही है, और अब से कुछ ही देर पहले नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे थे। उनसे लगभग एक घंटे तक मुलाकात की थी, उनको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन खबर के मुताबिक आडवाणी अड़े हुए हैं कि उन्हें भोपाल से ही चुनाव। सुषमा स्वराज उनके घर पर है और सुषमा स्वराज लगभग आधे घंटे से आडवाणी को मनाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से कोशिशें काफी तेज हो गई हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी मान जाएं और गांधीनगर सीट से ही लोकसभा मैदान में वो उतरें। पार्टी पहले ही गांधीनगर सीट से आडवाणी के नाम का ऐलान कर चुकी है, और अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो भोपाल से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इसी सब खबरों को खंडित करने के लिए या फिर लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी आज सुबह लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनका मान मुनवल करने की कोशिश की, लेकिन जो तस्वीर साफ हो रही है उससे तो यही लगता है कि शायद आडवाणी माने नहीं है और वो अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो भोपाल से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी भी आडवाणी को मनाने के लिए सुषमा स्वराज आडवाणी के घर पहुंची है। लगभग आधे घंटे से सुषमा और आडवाणी की ये बातचीत चल रही है, मान मनुहार चल रहा है, लेकिन क्या आडवाणी मानते हैं या नहीं मानते हैं ये यहां सवाल खड़ा हो जाता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या लालकृष्ण आडवाणी सुषमा से बातचीत करने के बाद मान जाते हैं? जिस तरीके से भोपाल से चुनाव लड़ने पर लालकृष्ण आडवाणी अड़े हुए हैं, बीजेपी अब इस पर मान मनोहर आडवाणी की तेज कर रही है कि वो इस बात के लिए मान जाए कि गांधीनगर सीट से ही वो चुनाव मैदान में उतरे। इसके लिए नरेंद्र मोदी एक घंटे तक उनका मनोहर कर चुके हैं। लगभग 9 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पर पहुंचे थे और 10 बजे के आसपास वहां से निकले। एक घंटे तक ये मुलाकात चली और अब सुषमा स्वराज लगभग आधे घंटे से इनके पास डटी हुई हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लाल कृष्ण आडवाणी को मना लिया जाए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन न्यूज रूम से जुड़ गए। राजीव, जाहिर तौर पर बड़ा सवाल और सबसे ज्यादा मुश्किल की बात बीजेपी के लिए इस वक्त तो यही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए मनाया जाए। इसके लिए खुद नरेंद्र मोदी वहां पर एक घंटे तक मुलाकात कर गए, अभी सुषमा स्वराज से भी उनकी मुलाकात चल रही है। क्या वजह है कि गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते लाल कृष्ण आडवाणी, भोपाल से ही चुनाव लड़ना चाहते, और जिस तरीके की कोशिशें हो रही है उससे क्या लगता है, क्या लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के लिए ही सही मान जाएंगे इस बात के लिए? देखिए वंदना, इसको कई चीजों के तौर पे देखना होगा। पहली बात यह है कि गांधीनगर से क्यों लालकेश आडवाणी का नाम घोषित किया गया और क्यों लालकेश आडवाणी, जो पहले कहते थे कि वो गांधीनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सबसे पहली बात यह है कि लालकेश आडवाणी को लगता है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो चेयरमैन है और बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के वो चेयरमैन है, और इसके बावजूद सीईसी की 4 बैठक के बाद उनके टिकट पर फैसला होता है। दूसरी बात यह कि अगर दूसरे बड़े जो पार्टी के नेता है उनको उनकी पसंद का चुनाव क्षेत्र दिया गया और आडवाणी से पहले उनका नाम ऐलान किया गया, तो क्यों नहीं आडवाणी का पहली लिस्ट, पहली दूसरी तीसरी लिस्ट में जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी इच्छा प्रकट कर दी गई थी तभी उनका नाम गांधीनगर से क्यों नहीं घोषित किया गया, पहला उनका ये एक पॉइंट आडवाणी का ये है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से गुजरात बीजेपी के नेताओं की बैठक आडवाणी नरेंद्र मोदी के घर हुई थी कल से एक दिन पहले, और वहां पर सर्वसम्मत से एक नाम गांधीनगर का तय किया गया, उससे आडवाणी आडवाणी को दिक्कत है। आडवाणी जानते हैं और ये बात सब लोग जानते हैं कि कुछ इस तरह का माहौल गुजरात में और गांधीनगर में बनाया गया है जो जिससे ये इंप्रेशन जाए कि आडवाणी नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहे हैं लगातार, उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करने से लेकर और यहां तक। तो ऐसे में गांधीनगर में उनकी इमेज किस तरीके से होगी और चुनाव लड़ना उनके लिए कितना ठीक होगा। दूसरी तरफ लगातार शिवराज सिंह चौहान उनके पसंदीदा नेताओं में से माने जाते हैं। भोपाल से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके बारे में राजीव आपसे हम बात करेंगे।